more time. Make more time. Make more time. नस नस से वाकिफ है नस नस से वाकिफ है रग रग जानता है नस नस से वाकिफ है रग रग से जानता है मुझे खुद से ज्यादा मेरा रब जानता है। तमाम सुनने वालों को दिल से भलीकार खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। शो हम सफर वितार जे मुजाहिद हिस्बानी जामशोरों के लाइव स्टूडियो से आप तक समाते पहुंचा रहे हैं। जहां जहां तक हमारी आवाज़ जा रही है, जहां जहां हमें दोस्त सुन रहे हैं, जो जो दोस्त हमें सफ़र में सुन रहे हैं, जो फैमिली के साथ सुन रहे हैं, तमाम सुनने वालों को आरजे मुजाहिद इस्वानी का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम सुनने वाले ठीक ठाक होंगे। शराफुद्दीन कुरैशी हमें सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी सर। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आपने लिखा है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अयाज़ अली हमें सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी अयाज़ अली। सरमद नूह हमें सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी मेरे भाई। सरमद नूह लिखते हैं, सदाई आबाद हो जो फिरी, बड़ी मेहरबानी मेरे भाई। आप आबाद रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें। रांझन मीरानी हमें सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी मेरे भाई। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, शादो आबाद रखे। आमिर अली इस्बानी हमें सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी आमिर अली इस्बानी। मुनीर जमाली जामशरो खां, मुरी जमाली भलीकार खुश आमदीद। वेलकम जी वेलकम मुनीर जमाली। आप कहते हैं कि मंजूर सखीरानी का कलाम सर उर्दू शो प्लेलिस्ट में उर्दू सॉन्ग मौजूद हैं, माजरत चाहता हूँ। अच्छा जी, तमाम दोस्तों को बताता हुआ चलूँ कि आज का जो टॉपिक है ना वो वालदेन पर है। वालदेन, ये शो हमने कल अधूरा छोड़ा था, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था। उसी शो को आज फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज भी टॉपिक वही है, वालदेन। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी प्रोग्राम को शेयर करते चलें, वीडियो को शेयर करते चलें। बड़ी मेहरबानी होगी आप तमाम सुनने वालों की, ताकि मेरा आवाज़, मेरा पैगाम, मेरा मैसेज
मेरी नसीहत उन तमाम दोस्तों तक पहुँचे। आज का जो टॉपिक है वालदेन, वालदेन जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो तमाम दोस्तों तक पहुँचाना लाजमी है। आप अपने वालदेन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको अगर वो छोटी छोटी बात पर रोकते हैं, टोकते हैं, आपको कैसा लगता है? आप क्या कहना चाहते हैं? ज़ीशान चांग हमें सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी मेरे भाई। आप लिखते हैं, मौला अली मदद, मलिकार जी खुश आमदीद शो में। ज़ीशान चांग पांधी खान बलोच हमें सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी मेरे उस्ताद, बड़ी मेहरबानी। इस्बानी साहब हमें सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी इस्बानी साहब। बलिकार आपने लिखा हाय हाय टू अली इस्बानी, हमें सुन रहे हैं अली इस्बानी, बड़ी मेहरबानी आपकी। और एक अहम बात आपको बताता हुआ चलूँ, क्या है, मेरा एक पेज है जूनियर आरजे शोज के नाम से, तमाम लोग उसको लाइक करेंगे क्योंकि आने वाले प्रोग्राम कुछ उस पेज पर भी किए जाएंगे। अब्दुल साबूर हमें सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी मेरे भाई। मुजाहिद अली सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी मुजाहिद अली। शेरल दरियाज इस्वाणी हमें सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी दरियाज भाई। सरदार शिराज जतोई हमें सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम अली मदद लिखते हैं, वालेकुम सलाम मोहल्ला अली मदद मुजफा मेरे प्यारे भाई, बड़ी मेहरबानी। पांधी खान बलोच लिखते हैं, गुलबहार रिंद की तरफ से सब दोस्तों को सलाम अदा, वालेकुम सलाम, आपके तमाम दोस्तों तक सलाम पहुँचे, बड़ी मेहरबानी। मुनीर लाखो हमें सुन रहे हैं, मुनीर लाखो साहब बड़ी मेहरबानी, खुश आमदीद बलिकार शो में, बराए मेहरबानी शो को शेयर करते हुए चलें। अच्छा, जहाँ हम बात कर रहे हैं वालदेन की, तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस टॉपिक पर थोड़ी सी भी बात कर लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मुनीर लाख को लिखते हैं, वेलकम ऑल डियर दोस्तों, आपको भी वेलकम करते हैं तमाम दोस्तों की तरफ से मुनीर भाई। दरियाज इस्बानी लिखते हैं, वेरी नाइस प्रोग्राम, बड़ी मेहरबानी मेरे भाई, शुक्रिया जज़ाकअल्लाह। रंजन मीरानी हर दफ़ा हमारे से एक रिक्वेस्ट करते हैं, ओल्ड शमन अली सॉन्ग इंशाल्लाह जो कल प्रोग्राम होगा मस्त माहौल, उस मस्त माहौल शो में आए, सिंधी शो है इसलिए आपको चमन अली मीरानी और ख़ास आपके लिए, ख़ास व ख़ास आपके लिए पेश करेंगे चमन अली मीरानी, आपके नाम से आपको डेडिकेट करेंगे मेरे भाई। अली इस्बानी लिखते हैं, हाय हाय टू ब्रदर बलिकार खुश आमदीद। प्रिंस आसिफ हमें सुन रहे हैं पंजाब से, बड़ी मेहरबानी मेरे भाई खुश आमदीद, शुक्रिया जी आप भी आए हमारे शो में, पंजाब से हमें सुन रहे हैं। इरफान अली इस्बानी हमें सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी मेरे भाई। प्रिंस आसिफ लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम जिगर, वालेकुम सलाम जिगर खुश आमदीद। साजिद हुसैन हमें सुन रहे हैं, साजिद हुसैन न्यू सईदाबाद से, बड़ी मेहरबानी मेरे भाई, शुक्रिया भलकार खुश आमदीद। एडी निहाल हमें सुन रहे हैं, एडी निहाल खुश आमदीद, बड़ी मेहरबानी आप शो में शामिल हुए। अच्छा जी, प्रिंस आसिफ लिखते हैं, जिगर जी सॉरी कल के लिए बहुत बिजी। अरे कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं। जाती मसरूफियात इंसान किधर जाए, इसमें सॉरी की कोई बात ही नहीं मेरे भाई।
आपकी बड़ी मेहरबानी है आज आप शो में शामिल हुए हैं। मैं तमाम दोस्तों को बताता हुआ चलूं, जो आज का टॉपिक है ना वो वालदेन पर है। आप अपने वालदेन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, मैं खास आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप अपने वालदेन जब आपको छोटी छोटी बात पर रोकते हैं टोकते हैं, आपका रवैया कैसा होता है? आप क्या फील करते हैं? अच्छा जी, सरमदनू लिखते हैं, जानवर फिल्म जो गीत आए माँ वो मेरी माँ, शागिद नंढड़ो जो आवाज़ आए हलाइंदा फ्री। अच्छा, जानवर फिल्म जो गीत मौजूद ज़रूर आए पर इो ना है अवा के बो बुधरायूँ था। मोहम्मद हसन हमें सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी हसन भाई। सज्जाद अली हमें सुन रहे हैं, सज्जाद अली वेलकम, भलिकार खुश्यामदीद, वेलकम ब्रदर। सरदार शिराज जतो ही लिखते हैं, अपने वालदेन को खुश रखा करो तो मैं रब से खुशियां मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल। अच्छा, बाप जो है ना, बाप की मौजूदगी सूरज की मानंद होती है। आपको जब वालदेन छोटी छोटी बात कह दिया करें ना तो गुस्सा ना किया करें, बुरा ना माना करें, बाप की मौजूदगी सूरज की मानंद होती है। सूरज गर्म जरूर होता है मगर सूरज ना हो तो अंधेरा छा जाता है। सरदार शिराज जतोई भलिकारदा खुशामदी, आप लिखते हैं, ये दुनिया तब तक है जन्नत जब तक माँ बाप जिंदा हैं। बिल्कुल मेरे भाई। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, सरदार शिराज जो तो लिखते हैं, असां जे लाइ सूफी सॉन्ग भा सुभाणे जे प्रोग्राम में इंशाल्लाह। आज का थोड़ा उर्दू शो है और थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है कि उस पर तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि बात करें, तो इंशाल्लाह कल जो प्रोग्राम होगा मस्त माहौल, उसमें तमाम दोस्तों की फरमाइशें पूरी करेंगे। ख़ास फरमाइश रंजन अली मीरानी की पूरी करेंगे, आपकी पूरी करेंगे और तमाम दोस्तों की फरमाइश उसमें ज़रूर पूरी करेंगे, सरमंद भाई की उसमें फरमाइश पूरी करेंगे। आज का शो जो है वो इस रुख का नहीं है, जावेद अली सुन रहे हैं हमें, बड़ी मेहरबानी जावेद भाई, खुशामदीद भलीकार, अदा नाइस प्रोग्राम और दराज इस बानी इज माई लवली फ्रेंड। अल्लाह पाक आप तुम दोनों को खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, शादो आबाद रखे। हफीजुल्ला हमें सुन रहे हैं, हफीजुल्ला बड़ी मेहरबानी आपकी, खुशामदीद भलीकार शो में। मुनीर जमाली अदा जाहिद इस्पाणी के सलाम वालेकुम सलाम, अवां जा सलाम जाहिद इस्पाणी तई पोता, असां तई पोता, अवां के खुशामदीद भलीकार शो में। मुनीर जमाली को खुशामदीद करेंगे शो में, बड़ी मेहरबानी मुनीर जमाली साहब, आप हमें सुनते हैं। रंजन अली मीरानी लिखते हैं, थैंक्स अगेन भाईजान, थैंक यू सो मच टू यू प्यारा। सजाद अली लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम ब्रदर, कैसे हैं आप?
उस शामदीद शो में। जावेद अली लिखते हैं, सलाम या अली मदद, वालेकुम सलाम मौला अली मदद मिठा, मेरे प्यारे भाई खुश आमदीद। सरदार सिराज जो तो ही लिखते हैं, आज हम जो कुछ भी हैं अपने माँ बाप की मेहरबानी है, उसके साथ कभी भी गुस्सा ना किया करें। बिल्कुल मेरे भाई ऐसा ही है। आज की जो मैं कहानी पेश करने वाला हूँ ना, आपने जो ये अल्फाज कहे ना, इनसे मैच होती है। आज की जो इस शो में कहानी मौजूद है ना, उस कहानी को आपने सुनना ज़रूर है, और तमाम सुनने वालों से गुजारिश है, प्लीज़ 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 शो को शेयर करते हुए चलें। अली इस्बानी हमें सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी अली इस्बानी साहब। फ़कीर आसिफ अली इस्बानी हमें सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी आसिफ भाई। फ़कीर आसिफ अली इस्बानी, अजलम अली हमें सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी अजलम भाई। सज्जाद अली गुड, बड़ी मेहरबानी। अली एजाज़ हमें सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी अली एजाज़। रामजन अली मीरानी वेरी नाइस, बड़ी मेहरबानी मेरे भाई। मोहिब अली हमें सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी मोहिब अली, खुशामदीद बलीकार शो में। जाकिर हुसैन हमें सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी जाकिर भाई। आज का जो टॉपिक है वो तमाम दोस्तों तक पहुंचाएंगे। आज का जो टॉपिक है ना, वो वालदेन पर है। आप अपने वालदेन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब आपका वालिद आपसे गुस्सा करता है, आपको कुछ कहता है, टोकता है, रोकता है, आपका रवैया कैसा होता है? सरदार शिराज जतोई लिखते हैं, आज टॉपिक अच्छा है यानी, मगर शो उर्दू है, मज़ू नहीं। अद्दा प्यारा जिगर, इंशाल्लाह सुबह सिंधी शो आए, तमाम उदड़न जो फरमाइशों में पूरी कंदा। जो जो हमें दोस्त सुन रहे हैं, उन तमाम सुनने वालों की फरमाइशें भी पूरी करेंगे कल के में। आज चलते हैं अभी सॉन्ग की तरफ, उस सॉन्ग के बाद आपको आज की कहानी बताऊंगा। वालदेन पर जो आज मैंने टॉपिक रखा था ना, वालदेन पर, उस पर बात करें, बड़ी मेहरबानी होगी आपके, इस शो को शेयर करते हुए चलें। शो को हार्ट टचिंग नाम ही इसलिए दिया था, आज की जो कहानी है ना, आज का जो टॉपिक है वो दिल को छू जाने वाला है। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी दोस्तों से शेयर करें, शेयर करते हुए चलें, ताकि ये आवाज़ उन तक भी पहुंचे। सरदार शिराज तो ये लिखते हैं, इजाज़त हो जाए तो असा हलूँ गाड़ी जानी, इधर जाएंगे। सुभाणे गॾु मस्त माहौल में सरदार शिराज जो थी चवनि, बड़ी महिरबानी मेरे भाई, शुक्रिया। शराफ़ुद्दीन कुरैशी लिखते हैं, शराफ़ुद्दीन काज़ी, अस्सलामु अलैकुम संगत। ए वालेकुम सलाम सर, आपके सलाम तमाम सुनने वालों तक पहुँचे, हम तक पहुंचे, आपको तमाम सुनने वालों की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। नवीद अहमद हिजबानी हमें सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी नवीद अहमद। चलते हैं एक प्यारे से सॉन्ग की तरफ।
तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। ये कैसा रिश्ता है कैसा नाता है, ये कैसा रिश्ता है कैसा नाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। हर गम उठा लूं तन्हा अकेला, तेरे लिए है खुशियों का मेला। हर गम उठा लूं तन्हा अकेला, तेरे लिए है खुशियों का मेला। सारा संसार दूं जीवन भी वार दूं, जितना कहे तू उतना मैं प्यार दूं, जितना कहे तू उतना मैं प्यार दूं। ये तेरा मुखड़ा ही मुझको भाता है, ये तेरा मुखड़ा ही मुझको भाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन। Make more time. Make more time. तमाम सुनने वालों को शो में बलिकार करेंगे खुश आमदी। शो मस्त माहौल, शो हम सफ़र विदार जे मुजाहिद अली इस्वानी जामशरों के लाइव स्टूडियो से आप तक समातें पहुंचा रहे हैं। तमाम सुनने वालों को एक मरतबा फिर से खुश आमदीद करेंगे। भलेकार वेलकम मुर्तज़ा खोसो साहब, बड़ी मेहरबानी, आप बड़ी देर से आए, शुक्रिया, आए तो सही। वंस अगेन सज्जाद अली, वंस अगेन आसिफ, प्रिंस आसिफ, बड़ी मेहरबानी, आप शो में ज्वाइन कर चुके हैं। मुर्तज़ा खुसो लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मुर्तज़ा खुसो साहब कैसे हैं आप? अच्छा जी, चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। आज का जो टॉपिक था उस पर एक कहानी भी मौजूद है। इसको शेयर करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आज का जो हमारा टॉपिक था वालदेन, उस पर ये चीज़ है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि शेयर करें ताकि वो बात, वो जो मकसद है आज का टॉपिक रखने का, वो तमाम दोस्तों तक पहुँच सके। इस्वानी साहब लिखते हैं, मैंने सीख लिया
मैंने सीख लिया आंखों में भरे आंसू वापस हल्क तक उतारने और फिर मुस्कुराना। अरे वाह जी वाह। इस वाणी साहब लिखते हैं, हम सादा तबीयत लोग दिल के साफ रखते हैं जनाब, लोगों से शिकायत नहीं उनकी औकात का अंदाजा लगाते हैं। अरे वाह जी वाह। गुलाम मुर्तजा को तो लिखते हैं, जाने माजरत के साथ आज मैं आपके प्रोग्राम में नहीं, नहीं आ सका, सॉरी, माइंड नहीं करना जाने। बिल्कुल नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं, बड़ी मेहरबानी, आप आए अपनी हाजिरी लगवाई, बड़ी खुशी हुई। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तमाम दोस्तों से फिर से एक गुजारिश है कि बराए मेहरबानी शो को शेयर करते हुए चलें। आज का जो टॉपिक वालदेन, वालदेन, अच्छा जी पिरंस आसिफ लिखते हैं, जगह 8 बजे के आपके साथ बैठे हैं जी, बड़ी मेहरबानी मेरे भाई। अच्छा जी आज का जो टॉपिक और कहानी, इस कहानी को बड़े गौर से सुनना है। प्लीज तमाम सुनने वालों से ये गुजारिश है, बड़े गौर से इसने सुनना है ये कहानी जो है वालदेन पर। अच्छा जी एक बंदा इंटरव्यू पे जाता है, बड़ी दूर धूप के बाद वो ऑफिस पहुंचता है। आज उसका इंटरव्यू था, वो घर से निकलते हुए सोच रहा था। अच्छा जी साजिद कमरानी न्यूज सईदाबाद से हमें सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी मेरे भाई, वो शामदीद। चलते हैं कहानी की तरफ। वो घर से निकलते हुए सोच रहा था, काश आज मैं कामयाब हो गया तो फौरन अपने पुश्तूनी मकान को खैरबाद कह दूंगा और यहीं शहर में कयाम करूंगा। अम्मी और अबू की रोजाना की मगजमारी से जान छुड़ा लूंगा। सुबह जागने से लेकर रात सोने तक होने वाली मगजमारी से तंग आ गया हूं, बेजार हो गया हूं। सुबह गुसल खाने की तैयारी करो तो हुक्म होता है, पहले बिस्तर की चादर दुरुस्त करो फिर गुसल खाने जाओ। गुसल खाने से निकलो तो फरमान जारी होता है, नल बंद कर दिया करो। तौलिया सही जगह पर रखा या वहीं फेंक दिया? नाश्ता करके घर से निकलने का सोचो तो डांट पड़ती है, पंखा बंद कर दिया या चल रहा है? अब्दुल गफ्फार इस बानी हमें सुने, बड़ी मेहरबानी मेरे भाई। क्या क्या सुननी है यार,
नौकरी मिली तो घर ही छोड़ दूंगा। ऑफिस में बहुत से उम्मीदवार बैठे बॉस का इंतजार कर रहे थे। दस बज गए थे, उसे देखा, हॉल रूम की बत्ती अभी तक जल रही है। अम्मी याद आ गई तो बत्ती बुझा दी। ऑफिस के दरवाजे पर कोई नहीं था। बाजू में रखा वाटर कूलर से पानी टपक रहा था, नल खुला था, उसको बंद कर दिया। वाले साहब की डांट याद आ गई। हसने निलियाज हमें सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी मेरे भाई। उसने नल तो बंद कर दिया वो इस वजह से कि अब्बू की डांट याद आ गई। बोर्ड लगाया गया था कि इंटरव्यू दूसरी मंजिल पर होगा। सीढ़ी की लाइट भी जल रही थी। उसे बंद करके आगे बढ़ा तो एक कुर्सी गिरी पड़ी थी। उसे उठाकर ऊपर किया, सीधा एक साइड पर रख दिया और वो अपनी इंटरव्यू वाली जगह पर जा पहुंचा। देखा पहले से मौजूद उम्मीदवार अंदर जाते हैं और फौरन वापस आ जाते थे। मालूम करने पर पता चला वो एप्लीकेशन लेकर कुछ पूछते ही नहीं है। फौरन वापस भेज देते हैं। मेरा नंबर आने लगा। जैसे मेरा नंबर आया मैंने अपनी फाइल मैनेजर के सामने रख दी। अच्छा जी आगे क्या हुआ, चलते हैं सॉन्ग की तरफ। शराफ़दीन कुरैशी लिखते हैं अकरमदीन कुरैशी। अकरमदीन काजी सलाम अदा तवां के अदा जाहिद के सोसाइटी ऑफिस टू शोरा गोट। वालेकुम सलाम साईं मुझा, बड़ी मेहरबानी। अच्छा कुछ दोस्तों जी फरमाइश याद स्टोरी की कंप्लीट क्यों, गाने जी तरफ ना लो इन करे स्टोरी भला कंप्लीट क्यों था। अपनी फाइल मैनेजर के सामने रख दी। तमाम कागजात देखकर मैनेजर ने पूछा, कब ज्वाइन कर रहे हो? उनके सवाल पर मैं यूं लगा जैसे आज अप्रैल हो और ये मुझे फूल बना रहे हो। मैनेजर ने महसूस कर लिया और कहा, अप्रैल फूल नहीं हकीकत है। आज के इंटरव्यू में किसी से कुछ नहीं पूछा गया। माजिद अली खुश हो हमें सुनाए, बड़ी मेहरबानी माजिद भाई।
खुश आमदीद भली कार शो में। अच्छा जी, आज के इंटरव्यू में किसी से कुछ पूछा ही नहीं गया, सिर्फ सीसीटीवी में उम्मीदवारों का बर्ताव देखा गया। वहां उस हाल में मौजूद सीसीटीवीज लगे हुए थे जिससे देखा जा रहा था कि उम्मीदवार का रवैया कैसा है, बर्ताव कैसा है। असल में ये तुम्हारे आए, बर्ताव देखना, मगर आपके बड़ों की तरबियत देखना चाहते थे। सभी उम्मीदवार आए मगर किसी ने नल या लाइट बंद नहीं की सिवाय तुम्हारे। अच्छा ये लाइन सुनना, अब कहते हैं कि मुबारक के मुस्तक हैं तुम्हारे वालदेन, मुबारक के मुस्तक हैं तुम्हारे वालदेन जिन्होंने तुम्हें तमीज़ और तहजीब सिखाई। वो छोटी छोटी बातें जिस पर वो अक्सर गुस्सा किया करता था, अपने माँ बाप पर चिढ़ा करता था, वही बात उसके काम आ गई। वही तनकीद, वही टोकना, वही रोकना उसी के काम आया। आज अगर वो इंटरव्यू में पास हुआ तो अपने वालदेन की तरबियत की वजह से। तो माँ बाप हमें कुछ भी कह देना, वो गलत नहीं कहते, वो हमारी इसलाह करते हैं। और हम कमबख्त इसलाह को अपनी खिलाफत समझ बैठते हैं कि हमारे खिलाफ हैं। जिस शख्स के पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, वो चाहे जितना होशियार हो, चालाक हो, मैनेजमेंट और जिंदगी की दौड़ में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकता। ये सब होने के बाद मैंने पूरी तरह तय कर लिया। घर पहुंची, अम्मी और अबू से माफ मांगूंगा और उनको बताऊंगा आज अपनी जिंदगी की पहली आजमाइश मैंने उनकी छोटी छोटी बातों पर रोकने और टोकने के उनके रोकने और टोकने की बातों की वजह से मुझे जो सबक पढ़ाया गया है उनके मुकाबले में मेरी डिग्रियों की कोई कीमत नहीं। जमीर गोपांग हमें सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी जमीर भाई। जिंदगी के सफर में तालीम नहीं, तहजीब का अपना मकाम है। ये जो वालदेन हमें छोटी छोटी बातें जो हमें रोकते हैं, टोकते हैं, कुछ कहते हैं ना, गलत नहीं कहते। अरे उनसे पूछो जिनके वालदेन नहीं। वालदेन बच्चों के लिए बुनियादी और अहम सीखने का जरिया होते हैं। वालदेन का हर अल्फाज, हरकत व अमल बच्चों को मुतासिर करता है। वालदेन होना इस दुनिया की मुश्किल तरीन जिम्मेदारी है।
क्योंकि आप एक दूसरे इंसान की जिस्मानी, जज्बाती और ज़हनी नशोनुमा के जिम्मेदार होते हैं। यकीन करें बाप दुनिया का वाहिद शख्स है जो खुद से ज्यादा आपको कामयाब देखना चाहता है, वरना यहां लोग तो एक दूसरे की टांगें खींचने के पीछे होते हैं, मगर एक वो वाहिद शख्स बाप है जो खुद से भी ज्यादा आपको कामयाब देखना चाहता है। माँ जिंदगी की तर्क राहों में रोशनी का मीनार है और बाप ठोकरों से बचाने वाला मजबूत सहारा है। आजिज इजबानी हमें सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी आजिज भाई। वसीम जतोई हमें सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी वसीम भाई। बस आज के इस वालदेन के टॉपिक पर एक आखिरी बात, आखिरी, चाहे कितना ही बूढ़ा हो, चाहे कितना ही बूढ़ा हो, मगर घर का सबसे मजबूत सुतन बाप होता है, बाप होता है। तो कभी गुस्सा ना किया करें, कभी भी मुंह खराब ना किया करें उनके हुक्म पर, हंसते मुस्कुराते जी कर दिया करें। आपने वो काम गुस्से में भी करना है, आपने वो काम प्यार से भी करना है। प्यार से करेंगे खुशी ज्यादा होगी, गुस्से से करेंगे आपका वालिद का दिल दुखेगा। तो ऐसा ना किया करें, अपने वालिदैन की इज्जत करें, उनका हुक्म सर आंखों पर। उनकी हर बात चाहे गलत कह रहे हैं, हां करके खुशी से मान लिया करें, जी ठीक हो गया, खुशी से। फहीम गुमारो हमें सुन रहे हैं, फहीम भाई बड़ी मेहरबानी, आप हमारे शो में शामिल हुए। आज का हमारा टॉपिक था वालदेन, उस वालदेन के टॉपिक पर एक खूबसूरत कहानी आपके सामने रखी, आपके दिल को जरूर छू गई होगी ये कहानी। तो कभी भी अपने वालदेन से गुस्सा ना किया करें, बुरा ना माना करें, उनका हुक्म गलत ही सही पर जी कर दिया करें, उनकी खुशी में खुश रहा करें। उनके कंधों ने बहुत से बोझ उठाए सिर्फ तुझे पालने के लिए। वंस अगेन चलते हैं सर एक प्यारे से सॉन्ग की तरफ, और आके तमाम दोस्तों के कमेंट्स भी शामिल करेंगे, तमाम दोस्तों के नाम भी शामिल करेंगे। चलते हैं जी एक प्यारे से सॉन्ग की तरफ। जाऊ
आजम अली सुन, आजम अली प्यारे भाई खुश आमदी शो में, आजम अली हमें सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी मेरे भाई। मैंने सीखा इस दुनिया से कि मुश्किल जितना भी कर उसका सामना करो। हाला चांदी फकीर हमें सुनने बड़ी मेहरबानी चांदी भाई। हाँ लड़ते चलो तुम खुद पर, हौसला रखो कामयाबी तुम्हारा ही हो, परेशानी कुछ भी नहीं पापा मेरे वंस अगेन बलिकार खुश आमदी। तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहेंगे, बलिकार कहेंगे शो में, जो हम सफर में था आरजे मुजाहिद अली इस्मानी जामशरो के लाइव स्टूडियो से। आप तक समातें पहुंचा रहे हैं तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी शो को शेयर ज़रूर किया करें, शेयर करते हुए चला गई ताकि हमारी आवाज़ दूसरों तक भी पहुंच सके। प्रिंस आसिफ लगते हैं जिगर जी सर, हुकुम हुकुम ये नाचीज़ हाजिर है हुकुम। और मेरा एक पेज है जूनियर आरजेज के शो के नाम से, बराए मेहरबानी उसे लाइक कर दें ताकि आने वाले कुछ प्रोग्राम उधर भी हुआ करेंगे, इसमें तमाम दोस्तों की शायरी कमेंट्स मैसेजेस कोई पैगाम अगर कोई किसी से रूठा हुआ है, हमारी कोशिश होती है कि हम आमने सामने अगर बात नहीं कर पा रहे तो हमारे प्लेटफॉर्म से वो बात वहाँ तक पहुँचाएँ। ताकि दो रूठे आपस में मिल जाए। अच्छा जी, इस्मानी साहब लिखते हैं अच्छा तो फिर बताएं कैसा रहा सफर, अच्छा तो फिर बताएं कैसा रहा सफर, टूटी कहाँ पे चूड़ियाँ,
चाले कहाँ पड़े। किस मोड़ पर जनाब की हिम्मत ने दम दिया, साहब को अपनी जान के लाले कहाँ पड़े। अरे वाह जी वाह वाह। फकीर आकिब अली इस बाणी लिखते हैं, अस्सलामुअलैकुम या अली मदद, वालेकुम सलाम मौला अली मदद। जनाब आज फिर आप बड़े लेट आए। आज का जो टॉपिक था वो वालदेन पर था, आप उस टॉपिक में भी शामिल ना हो पाए। आज का जो हमारी कहानी इस शो में मौजूद थी वो भी वालदेन पर थी। आप रिपीट में ज़रूर सुनना, आपको बड़ी प्यारी लगेगी। अभी तो प्रोग्राम का टाइम भी हुआ चाहता है, इतना लेट आए आप। खुश आमदीद भलीकार। कुछ दिल की मजबूरियां थी, कुछ किस्मत के मारे थे। कुछ दिल की मजबूरियां थी, कुछ किस्मत के मारे थे। साथ वो भी छोड़ गए जो जान से प्यारे थे। अरे वाह जी इस्मानी साहब वाह जियो माशाल्लाह। हबीब मियो हमें सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी हबीब भाई। खुश आमदीद भलीकार। शो हम सफ़र विद आरजे मुजाहिद अली इस्बानी जामशोरों के लाइव स्टूडियो से आप तक समातें पहुंचा रहे हैं। उदासी अता मोहम्मद हमें सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी मेरे भाई। उदासी अता मोहम्मद ये सोचना गलत है, ये सोचना गलत है तुम पर नज़र नहीं। ये सोचना गलत है तुम पर नज़र नहीं। मसरूफ़ हम भी बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। अरे वाजी इस्मानी साहब जियो। तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन दोस्तों ने हमें टाइम दिया, हमारी इस छोटी सी महफिल में शामिल हुए। तमाम सुनने वालों का दिल से तहे शुक्रगुजार हूँ। प्रोग्राम के बारे में राय ज़रूर दिया करें ताकि पता चल सके हम में खामियाँ क्या हैं, कोताहियाँ क्या हैं। हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें ताकि और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपके लिए ला सकें। जी तो टाइम हुआ चाहता है। राशिद हुसैन मेहमान साहब हमें सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी राशिद भाई। हम नहीं चाहते तुम्हारे साथ, हम नहीं चाहते तुम्हारा साथ किसी और का ताल्लुक हो। तुम्हें नफरत भी करनी हो तो वो भी फकत हमसे ही करना। अरे बाजी इस मन साहब जियो। तमाम दोस्तों से इजाजत चाहेंगे, शो का टाइम हुआ चाहता है। ये एक घंटा कैसे बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। कुछ शिकायतें, कुछ तफरी, बस ये मोहब्बत बांटते रहते हैं, आप तक मोहब्बत पहुंचाते हैं। शराफुद्दीन कुरैशी साहब लिखते हैं, गफारी जमाई सांगड़ झोल की सलाम चवंदा। अदा वालेकुम सलाम साईं, अवां जा सलाम अवां जे पिरन ताईं ज़रूर पहुता।
जे असां जो शो ॿुधी रहिया आहिनि त उन्हनि खे ख़ुशि आमदीद भलीकार शो में। तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे, अगर ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी शो मस्त माहौल पे। तार जे मुजाहिद अली इस्माणी जाम शो के लाइव स्टूडियो से तमाम दोस्तों से एक आखिरी गुजारिश फिर से कि शो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि हमारी आवाज़ दूसरों भाइयों तक भी पहुंच सके। और उसी के साथ साथ मेरा पेज जूनियर आरजे शो के नाम से उसको भी लाइक कर दिया करेंगे, क्योंकि कुछ शो उधर हुआ भी करेंगे, कुछ इधर किया करेंगे। तो तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहते हैं। रांझन अली मीरानी, बड़ी मेहरबानी आपकी मेरे भाई, आपकी फरमाइश कल ज़रूर पूरी होगी, आप कल का शो ज़रूर सुनना, ख़ास आपके लिए आपके नाम के साथ आपको ज़रूर डेडिकेट करेंगे। ओल्ड शमन अली मीरानी, बड़ी मेहरबानी इस्बानी साहब, तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। गुलाम मुस्तफ़ा खोसो साहब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अदा, आप बड़ा लेट आए मेरे भाई, शो का टाइम हुआ चाहता है एंड। बिशारत अली हिजबानी हमें सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी बिशारत भाई, बहुत लेट आए हैं। मुस्तफ़ा खोसो, बड़ी देर कर दिया आने में बिशारत भाई आपने भी। प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है, 9 बज चुके हैं। हमारा टॉपिक था आज वालदेन, वो टॉपिक भी हो गया, वालदेन के मुताबिक एक कहानी थी वो भी हो गई। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है उस कहानी को सुनना ज़रूर रिपीट में, आपको बड़ी प्यारी लगेगी। अगर ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़ व नासिर। तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो जो शो में शामिल हुए, बड़ी मेहरबानी तमाम सुनने वालों की।
more time.